शाहीन शाह अगर फरीदी साहब अगर टीम में नहीं है तो क्या लग रहा है कि टीम स्ट्रांग नहीं है? मेरा नहीं ख्याल, अगर मोहम्मद आमिर आ जाए तो उनको ऑक्यूपाई कर सकते। कल जो है दो बड़ी टीमें मध्य मुकाबले होने जा रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान, क्या तवक्कोआत लग रही है, कौन जीतने वाला? इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। और मैं कहता हूँ कि कैप्टन भी उसको होना चाहिए क्योंकि इतना मोस्ट सीनियर प्लेयर है उसको। बाबर ठीक नहीं है? नहीं, बाबर ठीक नहीं, बाबर जो है वो मैं बाबर साहब सुन ले, आप ठीक नहीं है, भाई का कहना है। दो टीमें बड़ी नहीं है, उनमें से एक टीम बड़ी है, सिर्फ पाकिस्तान टीम बड़ी है या दूसरी टीम छोटी है, बच्चे हैं नन्हे मुन्ने से। 22 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रोहाब राना आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 22 न्यूज। नाज़रीन, एशिया कप 2022 जरूर सारी है जनाब, और कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, और शौकीन क्रिकेटर जो है वो हमेशा ही टेलीविजन स्क्रीन्स के आगे बैठ जाते हैं और नारेबाजियां भी होती हैं और हर शॉट भी जो है वो शोर मचाया जाता है। कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, आइए आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या तासुरात, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, क्रिकेट खेलते हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। देखते भी होंगे ऑब्वियसली जी। क्या लग रहा है एशिया कप किसका है? अगर फैक्ट्स पर बात करी जाए तो इस टाइम तो अफगानिस्तान का लग रहा है, अफगानिस्तान का लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कल जो है वो दोनों टीमें मध्य मुकाबल होने जा रही है, पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो बड़ा टफ मैच है और दोनों ने एक दूसरे को बड़ा टफ टाइम दिया। हमारे पाकिस्तानी नौजवान जो है वो एलईडी और टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वक्त ज़ाया हो रहा है बस? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, हमारे पास जो न्यू टैलेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह ताला ये परफॉर्म करेंगे ज़रूर। अच्छा, कुछ लोग बात कर रहे हैं कि टीम में जो है वो सिलेक्शन वो बेहतर नहीं है, आप क्या समझते हैं कि वाकई में टीम सिलेक्शन बेहतर नहीं है? एक्सपीरियंस की कमी है टीम में, और अगर वो टीम के अंदर एक्सपीरियंस डाल दिया जाता तो मेरे ख्याल में टीम बैलेंस कर जाती यंगस्टर के साथ। यार ये दाल थोड़ी जिसमें नमक डाल देते? नहीं, दाल की बात नहीं मैं कर रहा, जिस तरह हमारे पास एक कोई भी पुराना खिलाड़ी हमारे पास मौजूद है जिसका 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस मौजूद हो, तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन थी ना, हमारे पास वहाब रियाज की बेस्ट ऑप्शन थी, इसी तरह और अगर कोई सीनियर प्लेयर टीम के अंदर होता तो टीम का मोराल ऑटोमेटिकली अप हो जाना था। अच्छा जी, बताइएगा कि शाहीन शाह आफरीदी का टीम में ना होना कितना नुकसान दे और कितना फ़ायदेमंद? जाहिर सी बात है वो एक लेजेंड है और लेजेंड का अपनी टीम में ना होने से फ़र्क तो पड़ता है, और ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि उसको उसके टीम में ना होने से पाकिस्तानी टीम को फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन उसको नसीम शाह ने बहुत अच्छी तरीके से कवर भी कर लिया। भाई आप मुझे ये बताइए कि एशिया कप चल रहा है, कल जो है वो बड़ी दो टीमें जो है वो मध्य मुकाबले होने जा रही हैं, पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दोनों टक्कर देने जा रहे हैं एक दूसरे को, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया? मुझे लग रहा है कि इस पर अगर दो बॉलर दो हमारे प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया तो हम जीत जाएंगे। आप इस तरह क्यों खड़े, कौन सी हम तलावत कर रहे हैं, इजी हो जाए जी? कोई मसला नहीं इसमें, मैं चाहता हूँ कि जो बाबर आजम है ना हमारे सुपरस्टार, वो बेहतरीन खेले और कॉन्फिडेंस से खेले। अच्छा आपको क्या लगता है कि इस बार की जो टीम सेलेक्शन है, हमने ट्विटर पे भी देखा और अवामी आरा भी है कि इस बार की जो टीम सिलेक्शन है वो बेहतर नहीं? नहीं, मुझे लगता है मोहम्मद आमिर को ले आना चाहिए बॉलर्स की जगह, और हमारे बैट्समैन में मलिक शुएब मलिक को लेके आना चाहिए, क्योंकि बीच में देखे काफ़ी गैप आ जाता है जब ऊपर से दो हमारे जैसे मियाँ वाली और शेखुपुरा में गैप आ जाता है। नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा गैप है उनका तो गैप ना ही पूछें आप। अच्छा आपको क्या लगता है, ये तो चलो मैच की बात होगी जो कल होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, आपको क्या लगता है एशिया कप किसका होगा? एशिया कप मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान इस वेल से खेलेगा जिस तरह खेल रहे हैं, जिस तरह रात इन्होंने बहुत अच्छा खेला है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का ही होगा। अच्छा शाहीन शाह फरीदी साहब अगर टीम में नहीं है तो क्या लग रहा है कि टीम स्ट्रांग नहीं है? मेरा नहीं ख्याल, अगर मोहम्मद आमिर आ जाए तो उनको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वो स्पेस जो है वो कवर हो सकता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह लाजमी। अगर आप क्रिकेट टीम में होते तो अच्छे बॉलर होते, बैट्समैन होते या ऑलराउंडर? तो मैं समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान को एक बैटिंग की जगह अपनी देता, क्योंकि बैटिंग बहुत वीक है पाकिस्तान की। जिंदगी में कितने छक्के मारे? मैंने तकरीबन कोई मारे होंगे कि 8-10। उसके बाद आँख खुल गई? उसके बाद नहीं, मैं सिर्फ सीए में आ गया, स्टडी के लिए आ गया था। अच्छा रईस, क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ, टिकटॉक बनाता हूँ। टिकटॉक बनाते हैं, कुछ बंदे वाला काम नहीं करते? नहीं नहीं, बंदे वाला काम है टिकटॉक। कितने फॉलोअर हैं? मेरे हैं तकरीबन 1 मिलियन है। सारे सही थे कि नहीं, मतलब अखाऊ का ठीक ने? हाँ सब ठीक है। अच्छा मुझे बताओ रईस, क्रिकेट खेलते हो? हाँ क्रिकेट थोड़ा बहुत खेलता हूँ। बल्लेबाज हो या फिर बॉलर हो या फिर फील्डर हो कीपर हो क्या हो? मैं जब खेलता था बॉलिंग करता था, स्पिन बॉलिंग करता था, तो अब तो नहीं। वैसे आप नहीं करते क्रिकेट देखते हो? अच्छा मुझे बताओ कि एशिया कप चल रहा है,
कल जो है दो बड़ी टीमें मध्य मुकाबल होने जा रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान, क्या तवक्कोआत लग रही है, कौन जीतने वाला? इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। एशिया कप विन करेगी या मैच विन करेगी? नहीं, कल वाला मैच भी इंडिया से विन कर जाए समझ लो एशिया कप विन हो गया। इंडिया से विन कर लिया तो समझे कप विन कर लिया। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आप क्रिकेट टीम में होते तो आप क्या होते, बॉलर होते, बैट्समैन या ऑलराउंडर? मैं अगर क्रिकेट टीम में होता तो मैं कीपर होता। कीपर क्यों? वो तो को झुकता नहीं आनी है बेटा, गेंदा आनी है। असल में कीपर है वो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग नहीं कर सकता क्योंकि वो बैटिंग भी कर सकता है, कीपिंग। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम थके हो या तुम्हें सब तो थका काम देना? हाँ जी, यह कह सकते। अच्छा रईस साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि शाहीन शाह अफरीदी के टीम में ना होने से क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? शाहीन शाह अफरीदी की टीम में ना होने की वजह से आप देखें पिछला मैच जो इंडिया के साथ था। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ आपको? नहीं नहीं, कहता नहीं रहे, डर डर क्यों रहे हैं आप? नहीं नहीं, डर नहीं रहा। अच्छा अच्छा बताएं। हाँ जी, उसके ना होने से फ़र्क तो पड़ता है। अब इंशाल्लाह वो कवर नेक्स्ट मैच में आ रहा है, वो सुनने में आ रहा है कि आ रहा है नेक्स्ट मैच में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए क्रिकेट खेलते हैं? जी बिल्कुल। एक ओवर में कितनी बॉल होती है? छः होती हैं, बॉल तो एक होता है लेकिन छः बार उसको यूज़ किया जाता है। आपने यकीनन सुना है? नहीं नहीं, अब जब खेलते हैं तो। अच्छा, एशिया कप पे कितनी नज़र है आपकी, कितने मैचेस देख चुके हैं? मैं बेसिकली दो मैच देखे हैं मैंने, एक पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा था, एक दूसरा अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच देखा था। अच्छा, कल जो है दो बड़ी टीमें जो है वो मध्य मुकाबले होने जा रही हैं, पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगी। पाकिस्तान क्यों नहीं यार? क्योंकि पाकिस्तान में वो एबिलिटी नहीं है जीतने की, वो प्लेयर। आपको क्या लगता है कि इस बार की जो टीम सिलेक्शन है वो सही नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक हुई। नाज़रीन ये भाई बताएं कि टीम पे किसको सिलेक्ट करना है? शुएब मलिक को सिलेक्ट करना चाहिए था, एक्सपीरियंस है, और मैं कहता हूँ कि कैप्टन भी उसको होना चाहिए क्योंकि इतना मोस्ट सीनियर प्लेयर है उसको। बाबर ठीक नहीं है? नहीं, बाबर ठीक नहीं, बाबर जो है वो मैं बाबर साहब सुन ले, आप ठीक नहीं है, भाई का कहना है मैच विनर प्लेयर नहीं है, जैसे विराट कोहली है वो मैच विनर प्लेयर है, अगर वो एंड तक खेलता है तो वो मैच। अच्छा, बाबर आजम को गेम चेंजर भी कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है, अब देखें वो बेसिकली हरीफ के हक में भी हो जाती है। आसम से बताया कि एशिया कप देख रहे हैं? जी, एक दो मैच देखे हैं। एक दो मैचेस देखे हैं। कल दो बड़ी टीमें जो हैं वो मध्य मुकाबले होने जा रही हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? दो टीमें बड़ी नहीं है, उनमें से एक टीम बड़ी है, सिर्फ पाकिस्तान। पाकिस्तान टीम बड़ी है या दूसरी टीम छोटी है, बच्चे हैं नन्हे मुन्ने से? नन्हे से। अच्छा, अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में होते तो क्या होते, बैट्समैन, बॉलर या ऑलराउंडर? पहले वो शामिल तो करें टीम में, फिर सोच लेंगे हमने बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है। इमेजिन कर लें नहीं, इमेजिन नहीं, जरा इमेजिनेशन में नहीं जाना, फैंटेसी जिंदगी में है ही नहीं। है ही नहीं। शेख साहब, आपको क्या लगता है कि इस बार की जो टीम सिलेक्शन है वो बेहतर है या नहीं? बेसिकली देखें, टीम बनती है जिसमें हर टाइप का बंदा हो, उसके अंदर ना एक्सपीरियंस बंदे नहीं है, लाइक शुएब मलिक जिसना भाई ने हर टाइप का बंदा, मतलब कौन से टाइप के नुमा रहे हो यार, किस टाइप के बंदे चाह रहे हो टीम में? आप दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं, मतलब के कहने का मतलब ये है कि जो प्रेशर को अब्सॉर्ब। नाज़रीन, ये शेख होने के साथ साथ ना थोड़े टर्की भी लग रहे हैं मुझे, ये टाइप्स की नवा रहे जी, इस टाइप के बंदे होने चाहिए? नहीं, शुएब मलिक होना चाहिए जो प्रेशर अब्सॉर्ब करे, जिसने लाइक पीछे वर्ल्ड कप में भी उन्होंने काफ़ी, यानी कि एक दो विन्स है उनकी ऐसी जो कोई और नहीं, नया प्लेयर नहीं खेल सकता था, उन्होंने नहीं जितवा सका, वो शुएब मलिक ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से हम जीते, और मोहम्मद हफीज थे जो ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं माशाल्लाह, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बाकी ये अच्छी बात है, नया चांस देना चाहिए। नसीम शाह नया लड़का है, खेल रहा है, अच्छी बात है, अच्छी विकेटें ले रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है, इंशाल्लाह दुआएं पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान ही जीतेगा। जी तो नाज़रीन, हम बरकत मार्केट में मौजूद थे और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि दो बड़ी टीमें मध्य मुकाबल होने जा रही हैं, पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, तो बहुत सारी जो वोट हैं वो पाकिस्तान की तरफ भी थे और बहुत सारे वोट जो है वो इंडिया की तरफ भी थे, लेकिन हमारी बहुत सारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मैच जीते, बल्कि एशिया कप जीते। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने की बात।